एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मा ने एक बात बताई है कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह का कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एक ही और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूं और प्रदेश से आया हूं और इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मुझे यहां की कोई खास जानकारी नहीं है, इसीलिए आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कैसे और यहां रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य सुलझे हुए और नेकदिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ के आबो हवा भी मुझे भी आ गई है, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु तुम्हें यहाँ भी नेकदिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर से जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या आप दोनों राहगीर को अलग अलग जवाब पर मुस्कुराकर। महात्मा बोले, वत्स, आमतौर पर हम आपसे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, वैसे तो नहीं होते, इसलिए हम आपसे अपने अनुसार अपने दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, और ठीक उसी तरह हम जैसे हम हैं, अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नज़रिए हैं पर निर्भर करता है, यही जिंदगी के सार है।